गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर अध्याय 5 सम्मिश्र संख्याएं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखें बच्चे, सम्मिश्र संख्या क्या होती है। तो हम यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, इसका जो फॉर्म होता है वो होता है ए प्लस आई बी। ठीक है, इसको ए प्लस आई बी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ए यहां पर रियल पार्ट है, इसको रियल, इसको यदि सम्मिश्र संख्या को जेड डिफाइन करें तो रियल ऑफ जेड, और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट जेड। यहां देखेंगे ए रियल पार्ट है और बी इमेजिनरी पार्ट है, और आई आई का मान होता है रूट माइनस वन। ठीक है, इसको हम आयोटा भी बोलते हैं। ठीक है, आयोटा मैथमेटिशियन है, उनके नाम से इसका नाम पड़ा है। तो आई इक्वल टू रूट माइनस वन, तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और इसी तरह से आई क्यूब देखें, आई क्यूब होगा आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर है आपका माइनस वन इंटू आई, यह आ जाएगा माइनस आई। ठीक है, इस तरह हम और देखेंगे तो अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सम्मिश्र संख्या में दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, इसमें एक आई मल्टीप्लाई है, आई का मान होता है रूट माइनस वन। तो यह संख्या आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी प्योर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, दो संख्याओं का मिश्रण, उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योग कैसे करना है। तो यहां पर जैसे दिया हुआ है कि एक सम्मिश्र संख्या ये दी हुई है जेड वन इक्वल टू ए प्लस आई बी और जेड टू इक्वल टू सी प्लस आई डी, दोनों का योग क्या करते हैं, रियल पार्ट को जोड़ लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को जोड़ लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है, यदि हम जेड वन लेके चले 4 प्लस 5 आई और जेड टू इक्वल टू लेके चलते हैं 6 प्लस 9 आई, तो जेड वन प्लस जेड टू क्या करेंगे, रियल पार्ट को पहले जोड़ेंगे, तो 4 प्लस 6 5 प्लस 9 आई, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 10 और ये तो हो जाएगा 14 आई, ये इसका जेड वन प्लस जेड टू इसका मान होगा। तो समझ गए होंगे कि दो सम्मिश्र संख्या को कैसे ऐड करते हैं। अब हम आते हैं ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में कि इनको नोट कर लेंगे कि संवर्ग का नियम, संवर्ग यानी क्लोजर नियम कहलाते हैं इसको, क्लोजर क्या होता है कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल भी एक सम्मिश्र संख्या होती है, यदि दो संख्याओं को जोड़ें कॉम्प्लेक्स नंबर को तो भी हमको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, क्लोजर नियम। क्रम नियम में क्या होता है कि यदि हमने जेड वन में जेड टू को ऐड किया और या जेड टू में जेड वन को ऐड, दोनों के मान बराबर आते हैं, इसको क्रम नियम नियम कहते हैं। ठीक है, साइचर नियम क्या होता है, यदि जेड वन प्लस जेड टू पहले ऐड करते हैं फिर उसमें जेड थ्री ऐड करते हैं और वह जेड टू प्लस जेड थ्री और जेड वन इनका योग के क्रम बदलने पर आता है, तो साइचर नियम कहलाता है। तत्समक क्या होता है कि हम एक कॉम्प्लेक्स में जीरो कॉम्प्लेक्स को ऐड करते हैं तो हमको जेड मिलता है। ठीक है, तो जेड यदि मान लो आप समझ रहे हैं जेड इक्वल टू आपका ए प्लस आई भी है और जीरो कॉम्प्लेक्स के रूप में क्या हो जाएगा, जीरो प्लस आई जीरो, दोनों को ऐड किया तो हमको जेड मिलेगा। ठीक है, समझ। और प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम यदि हमने जेड इक्वल टू ए प्लस आई भी लिया, ठीक है, तो माइनस जेड क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस और जेड
और इसको हम माइनस जेड को ऐड करें, क्या आ जाएगा, जीरो प्लस आई जीरो यानी जीरो कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब हो जाएगा जेड का प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस जेड। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज हैं इनको नोट कर लीजिए, इनका क्वेश्चंस में यूजेस होते हैं तो देखेंगे इसको। अब हमको दो कॉम्प्लेक्स का अंतर देखना है, तो इसका अंतर आपको जैसे योग करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे यदि हमने जेड वन इक्वल टू लेके चल रहे हैं 4 प्लस 6 आई, और जेड टू इक्वल टू लेके चलते हैं 2 प्लस 4 आई, तो जेड वन माइनस जेड टू कैसे निकालेंगे, 4 माइनस 2 6 माइनस 4 आई, कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 आई। आपको इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स को घटा सकते हैं। क्लियर? अब हमको दो कॉम्प्लेक्स संख्या के गुणनफल, तो यदि हमने व्यापक रूप में यदि जेड वन इक्वल टू ए प्लस आई भी दिया है और जेड टू इक्वल टू सी प्लस आई भी दिया है, तो दोनों का गुणनफल का मान यह होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल के लिए जेड वन इक्वल टू लेके चलते हैं 4 प्लस 2 आई, और जेड टू इक्वल टू लेकर चलते हैं 2 प्लस 3 आई। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जेड वन इंटू जेड टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 आई इंटू 2 प्लस 3 आई। आप मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 2 4 आई प्लस 3 इंटू 4 12 आई प्लस 3 इंटू 2 6 आई। इसको अब हम थोड़ा और सिंपल करते हैं, कितना हो जाएगा 6 4 प्लस 12 कितने हो गए 16 प्लस 6 आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1। यहां कारण लिख दीजिए, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, वो हमने सॉल्व करके दिखाया था। ठीक है, तो कितना हो गया जी, ये हो जाएगा आपका -6 और +6 0 प्लस 16 आई, तो यह आंसर आ जाएगा 16 आई, ये आपका आंसर आएगा। तो दो कॉम्प्लेक्स संख्या का मल्टीप्लिकेशन से अब कैसे हल करना है वो आपने यहां पर देख लिया। क्लियर? अब हम दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल देखेंगे, तो दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल का जेड वन अपॉन जेड टू कैसे ज्ञात करना है वो हम देखते हैं। यदि हमने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर जेड वन इक्वल टू 4 प्लस 2 आई, जेड टू इक्वल टू 2 प्लस 3 आई लेके चलते हैं। क्लियर? दोनों का भागफल, भागफल कैसे लेंगे, जेड वन अपॉन जेड टू कितना मान रख दोगे 4 प्लस 2 आई, और जेड टू कितना आएगा 2 प्लस 3 आई। अब इसके लिए हमको दो कॉम्प्लेक्स में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को हमको सेपरेट करना है, तो उसके लिए हमको थोड़ी कुछ स्टेप्स और करना पड़ेंगे। तो वो देखिए क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे, 4 प्लस 2 आई है और 2 प्लस 3 आई है, तो हम क्या करेंगे कि जो इसका हर है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के पीछे जो साइन यूज किया है, यदि यहां प्लस किया है तो माइनस साइन करके इसके न्यूमेटर डिनोमेटर में ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना है 2 प्लस 3 आई है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आई, डिनोमेटर में भी 2 माइनस 3 आई का मल्टीप्लाई किया। तो अब आप करिए इसको, पहले अंश में जो भी संख्या दी है उनका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 4 आई, माइनस 3 इंटू 4 12 आई, माइनस 6 आई स्क्वायर। इसमें देखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 2 स्क्वायर
माइनस 3i का होल स्क्वायर। यहाँ कारण लिख दीजिए कि a प्लस बी और a माइनस बी, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि इसका मान कितना हो गया, आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन, तो माइनस वन और माइनस प्लस हो गया, तो सिक्स प्लस एटीन, एट कितना हो गया, फोर्टीन, और ये कितना हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व प्लस फोर, कितना बचेगा, माइनस एट आई, ठीक है। और यहां क्या बचेगा, टू स्क्वायर, और आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन, और थ्री का स्क्वायर कितना होता है, नाइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां कितना आ जाएगा, थ्री का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गई 14 माइनस एट आई अपॉन जे फोर और प्लस नाइन कितना 13। तो हम यहां देखते हैं कि 1 अपॉन 13, 14 माइनस एट आई, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया आंसर। तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू कितना होगा, 14 अपॉन 13, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू कितना होगा, माइनस एट अपॉन 13। तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम इसको सेपरेट करके को लिख सकते हैं कि रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट। तो जब दो कॉम्प्लेक्स डिवाइड करें तो हमको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग दिखना चाहिए, उसके लिए हम ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ये आई की घात के क्वेश्चन है, जब हम इनको क्वेश्चन करेंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी। आई की पावर जीरो, आई की पावर जीरो, किसी भी संख्या की घात जीरो रहेगी उसका मान एक होगा, और आई इक्वल टू कितना होता है, ये इसका मान होता है वर्गमूल माइनस वन, जब हम बता चुके अभी, आई स्क्वायर माइनस वन का रूट है, इसका स्क्वायर करेंगे इसका मान आएगा माइनस वन। आई क्यूब, आई क्यूब कैसे निकालेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन इंटू आई कितना हो जाएगा, माइनस आई, क्लियर। आई फोर, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू प्लस वन। फिर इसी प्रकार से आई फाइव, आई फाइव कितना होगा, आई की पावर फोर इंटू आई, आई फोर कितना होता है, वन इंटू आई इक्वल टू आई। आई की पावर सिक्स, आई की पावर फोर इंटू आई टू, आई की पावर फोर कितना होता है, वन, और आई टू की आई की पावर टू कितना होता है, माइनस वन इक्वल टू माइनस वन। आई की पावर सेवन, आई की पावर फोर इंटू आई की पावर थ्री, तो आई की पावर फोर होता है वन, और आई की पावर थ्री कितना होता है, माइनस आई, ये आ जाएगा माइनस आई। इसी प्रकार से रोटेशन चलता रहता है, आप चाहे आई की घात सात रखें, फिर आठ रखें, चाहे नौ रखें, इनके मान आपको या तो वन मिलेगा या माइनस वन मिलेगा या आई मिलेगा या माइनस आई मिलेगा, चार में से पांचों प्रकार इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। आप आई की घात कितने ही रखें आपको सिर्फ चार मान मिलेंगे, क्या मिलेगा, या तो वन मिलेगा, सिर्फ चार मान मिलेंगे, वन माइनस वन आई या माइनस आई। अब आई की पावर कितना ही रख ले, आई की घात एन, एन का मान आप एक से लेके हजार रख लें चाहे 10,000 रख लें, लेकिन मान क्या मिलेंगे आपको, सिर्फ चार मान मिलेंगे, कौन कौन से, वन माइनस वन आई या माइनस आई। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे इसके तो इन प्रॉपर्टीज का यूज इसमें करना पड़ता है, इसको जरा ध्यान से प्रैक्टिस करें इसकी। अब हम यहां देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसको हमको ए प्लस आई बी के रूप में लिखना है, तो यहां देखेंगे फाइव और ये माइनस थ्री अपॉन फाइव बाहर निकाल दिया हमने, और यहां आई इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर कितना हो गया, ये फाइव और फाइव कैंसिल हो गए, माइनस थ्री
और आई स्क्वायर कितना होता है? -1, तो जो हो जाएगा +3। इसको कॉम्प्लेक्स रूप में लिखना चाहे तो कैसा लिखेंगे? 3 + i × 0, ये आपका कॉम्प्लेक्स रूप हो गया। अब इसको देखिए सेकंड वाला, i की पावर 9, आई की पावर कितना हो जाएगा जी? 4 की पावर 2, कितना होगा? 8, और इंटू आई प्लस i की पावर 4 इंटू 4, कितना हो गया? 16, प्लस इंटू i की पावर 3। तो हम देखते हैं i की पावर 4 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर इंटू आई, और ये कितना हो जाएगा? 1 की पावर 4 × i³। तो आई ये हो जाएगा आई, और 1 की पावर 4 भी 1 होता है, तो ये हो जाएगा i³। तो आई और i³ कितना होता है? -i, दोनों आ गए 0। कॉम्प्लेक्स रूप में कैसे लिखेंगे? 0 + i × 0, इस रूप में हो गया। इसी प्रकार से i की पावर -39 है, तो हम देखते हैं कि ये हो जाएगा 1/i की पावर 39, 1/i की पावर 4 की पावर 9, 4 × 9 कितना हो गया? 36 इंटू i³, 39 हो गया। ठीक है, 36 + 3 = 39। हम यहां सिंपल करते हैं तो 1/ जो हो जाएगा 1 की पावर 9 × i³, 1/1 की पावर 9 1 ही हो गया, और i³ कितना हो गया? -i, तो ये आ गया आपका 1/-i। 1 कितना होता है? i की घात 4, और -i को अगर i³ ही रहने दें तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा i। ठीक है, इसमें रियल पार्ट हो गया 0 + 1 × i, ये आपका a + b i के फॉर्म में हो गया। क्लियर? तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस करना है। ओके, थैंक यू।